इन दिनों बॉलीवुड से लेकर टीवी तक केवल सलमान खान के नाम की चर्चा है। सलमान खान बैक टू बैक रेस 3 के साथ कई फिल्मों से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ छोटे पर्दे पर सलमान 10 का दम 3 के साथ वापसी करेंगे। उन्होंने इसके लिए प्रोमो की शूटिंग भी पूरी कर ली है। ऐसी खबर है कि सलमान 2 हिस्से में इस शो की शूटिंग पूरी करेंगे, ताकि रेस 3 की शूटिंग पर इसका असर ना पड़े। मिली जानकारी के अनुसार सलमान की तरह कपिल भी अपने नए गेम शो फैमिली टाइम के साथ वापसी कर रहे हैं। सोनी टीवी IPL के बाद पूरा टाइम केवल कपिल को देना चाहते हैं। मार्च में IPL के बाद कपिल शो लॉन्च हो सकता है। इस बीच केवल कपिल शो का प्रमोशन किया जाएगा। कपिल के दोबारा पैर जमाने के बाद ही सलमान के 10 का दम को प्रमोट किया जाएगा। बहरहाल यहां देखिए, इस बार एक नहीं 7 सुपरस्टार दमदार कमबैक कर रहे हैं। टीवी स्टार राम कपूर कर ले तू भी मोहब्बत के सीजन 2 के साथ वापसी कर रहे हैं। हाल ही में इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसके साथ वे टीवी शो द कॉमेडी हाई स्कूल को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। निया शर्मा टीवी शो जमाई राजा के बाद विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में नजर आई थी, अब इसी वेब सीरीज के सीक्वल के साथ वापसी कर रही हैं। साक्षी तंवर भी त्योहारों की थाली टीवी शो के बाद अपने पुराने किरदार में कर ले तू भी मोहब्बत 2 से वापसी कर रही हैं। जेनिफर विंगेट बेहद में नेगेटिव किरदार निभाने के बाद जेनिफर विंगेट एक बार फिर बेपनाह के साथ वापसी कर रही हैं। वह एक बार फिर प्यार में बेपनाह होने के लिए तैयार हैं। मोहित रैना देवों के दाव महादेव के बाद मोहित रैना के फैंस की संख्या अधिक हो गई है। मोहित रैना जल्द ही सरफरोश सारागढ़ी 1897 से कमबैक कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन के साल इस साल के अंत तक अमिताभ बच्चन छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। रोनित रॉय और मोना सिंह एकता कपूर की वेब सीरीज कहने को हम सफर है में रोनित रॉय और मोना सिंह का रोमांस देखने को मिलेगा।